Now, Congress leader Rahul Gandhi also accused Prime Minister Narendra Modi of trying to do match fixing in the Lok Sabha polls and warned that if the BJP wins the election through this endeavor and changes the constitution, then the whole country would be finished. Listen in. ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। Now, other members of the INDI bloc also took the opportunity to air their grievances, while RJD leader and former Bihar Deputy CM Tejaswi Yadav also accused PM Modi of match-fixing. Congress leader Priyanka Gandhi Vadra invoked Lord Ram. Listen in. मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास सत्य था। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। गारंटी की बात करते हैं हम, बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। दो चार बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले। लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो।